एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि ग्रेस और मर्सी दोनों का मतलब होता है दया या रहम, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कब हमें बोलना चाहिए ग्रेस और कब हमें बोलना चाहिए मर्सी। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ये सच है कि दोनों का मतलब दया या रहम होता है, लेकिन वर्ड मर्सी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंसान कोई गुनाह कर दे या कोई जुर्म कर दे यानी कोई पाप कर दे और वह फिर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हो या अपने गुनाहों के लिए रहम चाहता हो तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मर्सी। यानी वर्ड मर्सी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम कोई चीज डिजर्व करते हो, यानी मैंने गुनाह किया, जुर्म किया, क्राइम किया, इसलिए मैं सजा को डिजर्व करता हूँ। और अगर आप उस इंसान से या गॉड से रहम मांगते हैं या दया मांगते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे मर्सी, गॉड मुझ पर रहम करें या मुझ पर दया करें। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गॉड हैव मर्सी ऑन मी, यानी गॉड मुझ पर रहम करें या दया करें। इस सेंटेंस का सेंस है कि मैंने कोई गुनाह किया था, कोई जुर्म किया था और उस जुर्म के लिए मैंने गॉड से माफी मांगा या रहम मांगा। वही बात अगर हम ग्रेस की करें तो इसका मतलब होता है दया या रहम, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज हम डिजर्व नहीं करते हैं। जैसे अक्सर आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या सुनते हैं कि ऊपर वाले के रहम से मैंने बहुत पैसा कमाया या ऊपर वाले के कर्म से मैं अपनी जान बचा पाया या ऊपर वाले की रहम से मैं तंदुरुस्त हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस में आप दया या रहम के लिए ग्रेस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो ऊपर वाले के रहम से मैं बहुत पैसा कमाया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको कहना हो ऊपर वाले की रहम से या कृपा से मेरे पास सब कुछ है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव एवरीथिंग। अगर आपको कहना हो ऊपर वाले के रहम से या मेहरबानी से या कृपा से मैं तंदुरुस्त हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फिट एंड फाइन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस बात को आपने शानदार तरीके से समझा कि मर्सी और ग्रेस में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मतलब होता है रहम या दया।